इट्स क्वाइट सरियल। आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले जब विराट कोहली ने अपने दोस्त रोहित शर्मा को वीडियो कॉल कर आरसीबी का कप्तान बनने का न्योता भेजा, तब रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया, खुद विराट कोहली को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जब से मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा को धोखा देकर हार्दिक पांड्या को कप्तान चुना है, तब से सारे देश में मुंबई इंडियन को लेकर आक्रोश देखने को मिला है। कुछ गुप्त क्लिप्स उठाकर देखें तो रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियन के इस फैसले से खुश नहीं थे। आईपीएल 2024 में तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियन कुछ खास नहीं कर पाई, पर अब रोहित शर्मा मुंबई इंडियन के साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने मैनेजमेंट को साफ कर दिया है कि उन्हें रिटेन ना करें, यानी कि अब रोहित शर्मा ओपन ऑक्शन में खरीदे जाएंगे। मेगा ऑक्शन से पहले रोहित शर्मा के पास कोलकाता नाइट राइडर, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब की तरफ से बड़े बड़े ऑफर्स भेजे जा चुके हैं। यहां तक कि लखनऊ सुपर जायंट ने तो 50 करोड़ सिर्फ रोहित शर्मा की बोली के लिए अलग कर रखे हैं। इसी बीच विराट कोहली ने रोहित शर्मा को मेगा ऑक्शन से पहले वीडियो कॉल किया और आरसीबी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की। रोहित शर्मा ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराते रहे। अब देखना यह होगा कि रोहित शर्मा किस फ्रेंचाइज को अपनाते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।